हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी ट्रैकिंग ब्लॉग। करते भाई अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और करते आज वाले ब्लॉग को स्टार्ट। तो आज वाला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों घर से, अपनी ये रही 86 और 94 भी आ रखी है। एक गाड़ी आई थी भाई वापिस से भर के और एक गाड़ी आई थी सूरत से भर के। तो मैं गया नहीं था गाड़ी भरने के लिए और पप्पा जी गए थे, अजय भाई गए थे 86 लेके और अपने 94 को लेके अखिलेश भाई और डिगम भाई करके है अपने गांव के एक ड्राइवर, वो गए थे। मैं गया था, मेरे ससुराल कुछ काम था उसी लिए और गाड़ी स्टार्ट कर ली। अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, इंदौर जाना है और रात को है ना बहुत बारिश हुई तो रात भर है ना लाइट भी नहीं आई हमारे साइड में, तो उसी चक्कर में नींद भी नहीं खुली भाई, क्योंकि रात में है ना गर्मी बहुत हो रही थी। तो अब सुबह सुबह नींद खुली हमारी 5:30 बजे। अभी टाइम जो हो रहा है ना देख सकते हो आप, 6:16 हो गई है देख सकते हो। ये रही 86 और 94 भाई उस साइड में है, वो रही देख सकते हो 94 93 अपनी। और बबलू भाई की गाड़ी भी वहीं पे लगा दी थी परसों के दिन, यहाँ पे लगी हुई थी बबलू भाई की गाड़ी, तो बबलू भाई ने यहाँ से हटा के वहाँ लगा दी, घर लेके गए थे गाड़ी वो। ये रही दोनों, बस दोनों गाड़ी को स्टार्ट कर ली है, इसको भी उसको भी कर लिया हमने, बस निकलते हैं यहाँ से इंदौर। सेंधवा बॉर्डर क्रॉस करा, 1.5 घंटा लग गया भाई और जाम खतरनाक लग गया यार। और उस साइड में तो इतना तगड़ा जाम लगा है मैं बताता हूँ आप, ये देखो कहाँ तक गाड़ियाँ लगी, बालसमंद गांव तक लग गए जो फटा है ना वहाँ तक। अभी निकलेंगे तो बताएंगे, दोनों गाड़ी हमने क्रॉस पाजी गए हुए है अभी क्या बोलते है सिलथप्पा लगवाने के लिए। अखिलेश भाई ये रे दोनों गाड़ी ये लगा ली अपनी, मेरे सब्सक्राइबर भाई है उस साइड में आवाज मार रहे, चलते मिल के आते उनसे। और दादा क्या हाल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपकी दुआ। हाँ साथ में ही है और सब बढ़िया, सब बढ़िया। लेट निकले यार, नींद ही नहीं खुली, आज लाइट ही नहीं आई घर पे, पंखा ही नहीं चल रहा था रात भर, वही पानी गिरा ना इसीलिए। फिर कहाँ जा रहे? अभी इंदौर जा रहे दोनों गाड़ी, एक वापिस से भर के आई, एक सूरत से भर के आई। हाँ आप तो ससुराल में घूम रहे थे? हाँ ससुराल गया था, चारा लाना था बकरियों के लिए, चारा लाना था और मूंग खाने के लिए दे रहे थे वो, तो लेके आया था। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो भाई भी पहले ड्राइवर ही करते थे, भाई की एक्सीडेंट में है ना पैर चले गए है ना। विक्की भाई को वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो भाई, दो की जगह 3 करेंगे हम। हाँ आपका आशीर्वाद रहेगा तो 3 भी हो जाएगी। करेंगे। चलो भाई से बातें करते हैं फिर चलेंगे, पप्पा जी नहीं आ जाए तो। निकल गए हैं दोस्तों और वो भाई को भी मिल लिए और वो देखो जाम लगा उस साइड में, ये इधर आगे तक उधर पीछे तक लगा हुआ जाम। नर्मदा नदी में गंदा पानी थोड़ा बहुत आया है, मतलब ऊपर पानी अच्छा गिरा है, देख रहे हो नीर पानी नहीं है इसमें, अभी थोड़ा बहुत गंदा पानी आया है ना तो पानी ऊपर भी अच्छा गिरा है ऐसा लग रहा है। पिंचानवे 80 मुकेश भाई वाली गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई थी ना वो गाड़ी भी बन के कम्प्लीट हो गई है, बस उसके जो है ना इंश्योरेंस के क्लेम के जो पैसे आ जाएंगे तो कंपनी वो गाड़ी भी छोड़ देगी, क्योंकि अभी है ना मुकेश भाई के पास में पैसा भी नहीं है और 1.5 महीना करीब हो गया वो गाड़ी को, तो एक किस्त तो मुकेश भाई ने घर से डाली थी उसकी
और अभी दूसरी किस्त फिर आ गई है, तो मुकेश भाई फिर एक किस्त घर से डालेंगे। तो अब छुड़ाने के लिए पैसे है नहीं उनके पास में। छुड़ाने का मतलब ये है भाई कि कंपनी के पास गाड़ी बन के खड़ी हुई है, तो इंश्योरेंस के पैसे तो लेट ही डलते हैं, तो उसी चक्कर में गाड़ी बन के है ना खड़ी हुई है। और दोस्तों कल है ना मैं मूछी सेट कर रहा था कैची से और कट गई भाई, तो मैंने पूरी साफ कर दी, इसको जीरो कर दी है ना पापा जी। पापा जी हंस रहे हैं यार, देखो मुझे नहीं बोल रहा, मुछी मुछी मुछे फिर मैंने उड़ा दी इसको है ना। और अपनी 94 रानी भी आ रही पीछे पीछे, दुल्हन 2, इस पे भी लिखवाना है दुल्हन। और इसका रेडियम जो है ना कांच का फीका पड़ गया है, तो ये अब दिवाली पे डलाएंगे, क्योंकि इसका कांच भी फूटा हुआ है, तो कांच भी डलाना पड़ेगा आगे वाला। अजय भाई चला रहे, आज अपनी YouTube फैमिली 24,000 की कंप्लीट हो गई है भाई। और अपना ड्रीम यही है कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को है ना शेयर करा करो जल्दी से, और जल्दी से भाई 50 के करवा दो 50 के। देखो ये मानपुर घाट चल रहे हैं हम, और इधर गाड़ी देखो उस साइड से इस साइड आगे कूदी हुई है। बच गया भाई, बच गया, किस्मत उस साइड से आके इस साइड में कूदी हुई है गाड़ी। वो आराम से चलो भाई केयरफुली, ये वाला घाट जो चढ़े या उतरे आराम से उतारो भी गाड़ी और चढ़ाओ भी आराम से, क्योंकि भाई ये गुजरी घाट है ना बहुत ही खतरनाक घाट है भाई। यहाँ पे अधिकतर है ना गाड़ियों के ब्रेक वगैरह फेल होते रहते और लाइनर गर्म हो जाते, क्योंकि भाई एक घाट जो मानपुर वाला आगे है वहां से ब्रेक टच करके उतार के लाते है गाड़ी, तो व्हील पूरे गर्म हो जाते है। फिर यहाँ पे भी दूसरा वाला ये घाट लग जाता है, और ज्यादा करके ब्रेक टच इसी पे करना पड़ता है और कंट्रोलिंग गाड़ी करना पड़ता है इसी घाट पे भाई। और ये वाला घाट जो है ना ज्यादा उतारती है, तो इस घाट को कभी भी बड़े गियरों में उतारे, न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए इस घाट को, इसीलिए व्हील गर्म हो जाते फिर गाड़ी के ब्रेक फेल होते, फिर गाड़िया एक्सीडेंट होती है, टुकाती है, गाड़िया कूदती है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ भाई इस घाट को है ना जब भी आप लोग उतरे आराम से उतरे। कई ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट हुए इस रोड पे, मतलब इस घाट पे। अभी देखो ये काफी दिन से पड़ी हुई गाड़ी, पूरी गाड़ी टोटल लॉस, खत्म है पूरी गाड़ी, हो गए इसको 7-8 महीने करीब हो गए इस एक्सीडेंट को। बाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई, तो चेचिस आगे पड़ा हुआ, ये देखो पूरा जल के भस्म हो गया था भाई उस बार, तो खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ था। ये वाला चेचिस है, वो 12 टायर है भाई, 14 टायर है, बहुत बुरे हाल है भाई। आराम से चलो, अभी हरियाली होने लग गई है, देखो बारिश होने लग गई ना, तो पूरा हरा भरा दिख रहा घाट। बस एक आध महीने बाद तो कुछ भी नहीं दिखेगा, पहाड़ वहाड़ पूरी हरियाली हरियाली दिखेगी भाई इधर, फिर मजा आएगा वीडियो वगैरह करने में। पहुंचे हैं दोस्तों पीतमपुर, और 94-93 का जो माल है ना ये सेंटर पॉइंट जाएगी इंदौर से बिल्कुल आगे, देवास से थोड़ा सा पहले वो जा रही है। हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, हमको सावेर रोड जाना है, तो ये पीतमपुर जाएगा, यहाँ से सीधा सावेर रोड चले जाएंगे। इधर से जाएंगे तो लंबा भी पड़ेगा और एक टोल भी लग जाएगा, तो उससे अच्छा इधर पीतमपुर होके चलते है सीधा। ये आ गया एयरपोर्ट चौराया, इस साइड में लेफ्ट में जाएंगे तो देपालपुर निकल जाएंगे, इधर अंदर इंदौर सिटी जाएंगे और सीधा अपना सावेर रोड, जो है कि अभी मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है यहीं से, ये चौराहे के आगे से। उपा जी लग गया सिग्नल, रोक लो डंपर के पीछे। ये आ गया दोस्तों लवकुश चौराया सावेर रोड, ये इस साइड में रोड जा रहा भाई उज्जैन, और ये सीधा देवास नाका जाएगा आगे।
और अपने को ये चलना इधर सावेर रोड पे, सावेर गांव भी इधर ही आता है उज्जैन से थोड़ा पहले। और सिग्नल लगा हुआ भाई यहाँ पे, सब भयंकर वाला ट्रैफिक लग गया है। और ये अपने सब्सक्राइबर भाई की गाड़ी है, MH 18 BG 1635। भाई बोले आज वीडियो डाल दिया क्या? बोले मैं क्या, हाँ डाल दिया भाई, देखा नहीं होगा आपने ऐसा। और ट्रैफिक खतरनाक लग गया भाई, देख रहे हो आगे से भी ट्रैक्टर वाले नहीं मान रहे, उस साइड से भी आ रहे, रॉन्ग साइड से भी। देखो अब मैंने भी टर्न ले लिया, वो गाड़ी वाले ने भी टर्न ले लिया, फिर भी उधर से भी गाड़ियाँ और इस साइड से भी गाड़ियाँ घुसा दी है भाई। देखो आड़ी तिरछी बाइक वाले कार वाले कोई नहीं मान रहा भाई, अब तो पक्का 1.5-2 घंटा जाम लगना है। क्योंकि भाई देखो इधर भी आधी गाड़ी अटकी हुई है और इधर भी आधी गाड़ी अटकी हुई है, सामने से भी गाड़ी डाल दी, इस साइड से भी डाल दी, इधर से भी डाल दी, और ये पीछे से ये भी डाल दिए, फिर ये भी डाल दिए। बहुत मुश्किल है भाई गाड़ी निकालना। यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही चलना था हमको, कंपनी में जाना है और 2 जगह खाली करना है यार। 2 जगह का माल भर के आया हूँ मैं और वापिस से भी हालत खराब है भाई। डबल डिलीवरी माल भर के आई है गाड़ी और 24,000 भाड़ा लगा है। जबकि ना डबल डिलीवरी माल डाल के आते हैं ना तो 27,000-28,000 रुपये भाड़ा लगता था, लेकिन इस बार है ना सिंगल डिलीवरी का भाड़ा 21,000-22,000 हो गया है। तब डबल मिला मेरे को तो डबल डाल रहा है। मैं तो नहीं गया था, फूफा जी गए थे, तो क्या कर सकते, अब भाड़े कम ही हो गए। और बबलू भाई गए थे ना तो उनकी गाड़ी कम से कम 5 दिन खड़ी रह के आई थी, तो अभी हालत बहुत ख़राब चल रही भाई। इधर से भी नहीं माल मिल रहा है इंदौर से, और उस साइड से भी वापस सूरत से भी नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी चले जाओ सब दूर ऐसे हाल है, जैसे तैसे करके गाड़ियाँ चला रहे भाई। चलो कोई नहीं, अभी ट्रैफिक जाम थोड़ा सा खुल जाए उसके बाद निकालते गाड़ी। वो गाड़ियाँ 1-2 पीछे करवाई उस साइड में, बड़ी मुश्किलों से निकल के आए भाई जाम से। और ये रही हेल्थ केयर, यहीं पर अपनी गाड़ी खाली होगी, आधा माल और आधा माल दूसरी कंपनी में जाएगा। पहले यहाँ पे पेपर वेपर देख के आते हैं, एंट्री करवाते हैं, है ना, चलते हैं। फाइनली दोस्तों गाड़ी वाड़ी लगा दी है अपनी, पीछे के पटिये वटिये खोलना था खोल दिए हैं, अभी गाड़ी खाली होगी। और तिरपाल भी हटा दी पीछे से मैंने, ये देख सकते हो पीछे से भी खोल दिया है, अभी खाली करेंगे। ये इनके गोडाउन पे लेके आए थे, कंपनी तो आगे है थोड़ा। और मैं गया था अभी, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई मिलने आए थे तो उनकी बाइक पे बैठ के गया था और रोटी लेकर के आ गया था मैं, तो रोटी वोटी खा लेते भाई, गाड़ी तो खाली हुआ करेगी। एक जगह यहाँ खाली करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह चलना है अपने को। तो फिलहाल मैं खाना वाना खाते भाई, ये रहा है अपना खाना। फूफा जी आ जाओ खाना खाते है। खाना निकाल लिया, 5 रोटी चावल और 2 सब्जी है, एक तो दाल है और एक ये आलू की सब्जी है। ये सब आइटम मिला हमको 60 रुपये में, तो ठीक है सस्ता है खाना वाना, खाते भाई खाना। चलो भाई एक जगह गाड़ी खाली हुई है, अब जा रहे भाई दूसरी जगह। ले भाई आगे ले ले, गाड़ी नहीं निकलेगी फूफा जी, आगे ले भाई। टाइम जो हो रहा है ना क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, 6:30 होने वाले भाई, 6:26 हो गई है, देख सकते हो अभी दूसरी जगह और माल खाली करना। चलो भाई दूसरी कंपनी में भी आ गए हम, गाड़ी रिवर्स लेके यहाँ पे डालना है, ये गेट दिख रहा है यहाँ पे। रूपा जी ले रहे पीछे गाड़ी, आशा क्या नाम है यार, हाँ आशा ही नाम है। चलो लेते भाई गाड़ी अंदर, अब जाके गाड़ी दोस्तों खाली हुई अपनी। क्या टाइम हो रहा, 8:54 यानी 9 बज गए भाई। चलो अब निकालते हैं गाड़ी। गाड़ी खाली करके दोस्तों जैसे ही मेन रोड पे लगे, सावेर रोड वाले रोड पे, इस कदर की बारिश आई ना भाई, कम से कम बूंदा बांदी थोड़ी थोड़ी करके है ना 1-1.5 घंटा बारिश हुई और रात की 12 बज गई। अब हम खाना खा रहे, देख सकते हो ये बाहर बारिश ही बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। खाना वाना ले आए थे हम, ये सामने ही होटल है, ये देख सकते हो आप क्या बज गए है 12:08। और काजू पनीर की सब्जी हमने ले आए थे, खाना वाना खाते और फिर अब लोड वोड तो कहीं नहीं हुई यार, क्योंकि मैंने माल पक्का करा था पीतमपुर से भरना था अपने को, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि
गाड़ी खाली करते करते ही रात हो गई भाई, अब क्या कर सकते हैं। वो अपने लिए बैठे तो नहीं रहेंगे कंपनी वाले कि माल भरेंगे ऐसा करके, तब माल है ना कल ही भराएगा अपनी गाड़ी में। अब खाना वाना खाएंगे और इधर ही कहीं लगाएंगे गाड़ी और सो जाएंगे।